किसी पर एहसान नहीं है, पर जो आप साहब काशी राम व बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों को पढ़कर दिल में लगी थी उसके लिए ही कर रहा हूँ। आप मेरी ओर से तनिक भी परेशान मत हो, मैं वो कर रहा हूँ जो किसी ना किसी को तो करना था। मैं खुश हूँ कि मुझे लगता है मुझे ही इसके लिए चुना गया है। मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। मौत का खौफ नहीं है मुझे, मौत का खौफ नहीं है मुझे। मुझे मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन साहब काशी राम के मिशन में आया था, क्योंकि अपमान आरोप उत्पीड़न रोज झेलना पड़ता है मिशन में। जेल से तो मैंने जीना सीखा है, अब मैं हार नहीं सकता ना टूट सकता। ये काले अंग्रेजों की सरकार जितना शोषण करेगी मुझे और मेरे इरादों को मजबूत करेगी, मैं ये मुझे झुका नहीं सकती, ना ही वो नोट बना सकती, ना ही वो नोट बना सकती जो मेरे इरादों को खरीद ले। और बड़े भाई ने एक शायरी लिखी है, करता हूँ वही दोस्तों जो मुझे पसंद है, अरे करता हूँ वही दोस्तों जो मुझे पसंद है। माना कि वक्त बहुत कम है पर हौसले बुलंद है। मैं चाहता हूँ कि अगर भाजपा, मैं चाहता हूँ कि अगर भाजपा में दम है तो वो मेरा सामना करे। दौड़ में अकेले दौड़ कर खुद को 56 इंच के ना कहे और हमारे लोगों का उत्पीड़न बंद करे। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि गुजरात जहाँ से आप के पाटन जिले के भाई भानु बुनकर जब लोगों को उनकी जमीन न दिला सके तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। आपकी सरकार देखती रही, खुद को जिंदा जला दिया। ये न्याय है जब आप अपने प्रदेश के दलितों को, जब आप अपने प्रदेश के दलितों का भला नहीं कर सकते तो उन्हें न्याय नहीं दे सकते तो पूरे देश के दलितों को क्या न्याय देंगे। ऐसे गुजरात मॉडल का देश बनाना चाहते हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। दलित भाई सरोज, दलित भाई सरोज की हत्या पर आपने मौन व्रत धारण कर लिया। मौन व्रत धारण कर लिया। रोज गरीब लोगों की बेटियों की इज्जत लूटती है पर आपकी चुप्पी बताती है। आपने अच्छे दिन के सपने दिखाकर हमारे विनाश के दिन हमें दे दिए। युवा साथियों को कहना चाहता हूँ अच्छी शिक्षा लेकर देश में अपनी भागीदारी निश्चित करें, देश का विकास करें। साथियों जिसका अब तक खून न खोला, अरे जिसका अब तक खून न खोला वो खून नहीं पानी है। जो मिशन के काम न आए वो बेकार जवानी है। मुस्लिम भाइयों इस देश की आजादी में बहुत कुर्बानी दी है जिसका इतिहास मिटा दिया गया, चाहे वो 1934 में, चाहे वो 1934 में रेशमी इस्लाम तहरीक है जिसमें 1400 मौलवियों को शामली के दिल्ली रोड पर प्रत्येक पेड़ पर एक मौलवी की लाश को लटकाया गया, या शामली में अंग्रेजों के बनाए तोपखाने लूटा है जिसमें लगभग 31 लोगों ने कुर्बानी दी, पर आज उनसे वतन के वफादार होने के सबूत मांगे जा रहे हैं, क्योंकि कल के देशद्रोही आज वफादार हो गए हैं वतन में, वतन के। मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारी एकता, हमारे समाज, देश को तोड़ने का काम करेगा उसे आने वाले दिनों में हम सबक सिखाने का काम करेंगे। हम सामाजिक रिश्तों को मजबूत करेंगे, हम सामाजिक रिश्तों को मजबूत करेंगे। हम इन जहरीले लोगों को देश तोड़ने नहीं देंगे। ये देश हमारा है, आप दंगे चाहते हैं, मैं अमन चाहता हूँ, आप तोड़ना चाहते हैं, मैं देश में जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी लड़ाई किसी जाति या मजहब से नहीं है, बस उनसे है जो अमन चैन नहीं चाहते, जो गरीब पर शोषण करते हैं। क्योंकि मैं अपनों के लिए सम्मान चाहता हूँ, शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। बड़ा की गहरा दाग है यारो, बड़ा की गहरा दाग है यारो। गुलामी जिसका नाम है उसका जीना भी क्या जीना, जिसकी कोम गुलाम है। 15 दिन सोया नहीं निचला। मेरे आजाद, मेरे आज भी याद है 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुए उस समय
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि दंगाइयों पर गोली ना चलाई जाए, उनको नंगा नाच करने दें, पर 9 मई को न्याय मांगने आए निर्दोष दलित तो पर गोली चलाने के आदेश डीएम एनपी सिंह देते हैं और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे मेरे 42 निर्दोष भाइयों को जेल भेजते हैं, ऐसा राम राज्य मंजूर नहीं है। मुझे गरीबों पर अत्याचार कराने वाला संत नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रत्येक लम्हे आज भी सोने नहीं देते मुझे मेरी कौम पर किया गया अत्याचार भगवत सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। न्याय नहीं कर सकते तो कुर्सियां खाली करो या हम खड़ाएंगे। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरे जाने के बाद मेरे कुम पर मरने वालों का सहलाब आएगा। ये सलाम करता हूँ देश की आर्मी को और उन शहीदों को जो देश के लिए शहीद हुए और नसीहत देते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जो जेड प्लस की सुरक्षा लेकर मेरे देश की आर्मी पर सवाल उठाते हैं। इंसानियत जिंदा है तो शर्म करो। मुझे गर्व है देश की आर्मी पर और ये भी गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। अंतिम संदेश पूरे देश में कर रहे भीम आर्मी के सभी पूरे देश में काम कर रहे भीम आर्मी के साथियों को आप ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करें और अपने लोगों की सुरक्षा करें। साथियों आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मुझे न धन चाहिए बाबा साहब के सपनों का वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं जीऊं मिशन के लिए और जब मरूं तो मुझे नीला कफन चाहिए। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मेरी मंगल कामनाएं आप सभी साथियों के लिए। आपका भाई आपका बेटा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और रावण संस्थापक भीम आर्मी भारत एकता मिशन। ना झुकूंगा ना रुकूंगा ना बिकूंगा और इस संघीय सरकार में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उसकी भीम आर्मी को खरीद ले। हर गम ने हर सितम ने नया हौसला दिया मुझको मिटाने वालों ने मुझको ही बना दिया। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और रावण, जय भीम आर्मी।